सो ऑलराइट गाइस, अभी जो मेरे हाथ में ये वाला मेमोरी कार्ड देख रहे हो, सॉरी ये वाला मेमोरी कार्ड भाई, ये वाला मेमोरी कार्ड मैं अपने DSLR से कनेक्ट करता हूँ जब भी फोटोज वीडियोस वगैरह क्लिक करता हूँ। बट कुछ ही दिन पहले मैंने कुछ फोटोज वीडियोस क्लिक किए हुए थे और वो सारे भाई लैपटॉप पर लाने के बाद सारे बाई चांस डिलीट हो गए थे। देन उसके बाद भाई मैंने सोचा कि कैसे इसे रिकवर करूं। मुझे पता चला वंडरशेयर रिकवर इट सॉफ्टवेयर के बारे में, क्योंकि मुझे जहां तक पता है मैंने बहुत सारे वंडरशेयर का प्रोडक्ट यूज किया हुआ है। बहुत ही तगड़ा कंपनी आप कह सकते हो, उनका प्रोडक्ट बहुत ही जबरदस्त होता है। जैसे कि उनका सॉफ्टवेयर वगैरह कह लो, वंडरशेयर फिल्मोरा वगैरह जो भी कह लो, बहुत ही अच्छा है, आपको भी पता है। तो यहाँ पर मैंने उनके साथ कोलैब किया, बाद में बात वगैरह किया कि भाई मेरा काम भी हो जाएगा, उनका भी प्रमोशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो पर वंडरशेयर रिकवर इट के जरिए मैं अपने फोटोज वीडियोस को रिकवर करने वाला हूँ, और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा अगर आपका भी भाई बाई चांस कोई फोटोज वीडियोस डिलीट हो जाए परमानेंटली आपके लैपटॉप से, तो भाई इस सॉफ्टवेयर को यूज करो, डाउनलोड करके रख लो, कभी भी आपका काम आ सकता है। मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, जाके चेकआउट जरूर करना। 100 MB तक आप फ्री में इसमें रिकवर कर सकते हो, कोई आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा। बाद में अगर आप रिकवर करना चाहोगे तो भाई आपको यहाँ पर थोड़ा पे करना पड़ेगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। देखो भाई, कोई सा भी सॉफ्टवेयर पर आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऐसे सॉफ्टवेयर है जो आपके पीसी को हम पहुंचा सकते हैं, या फिर कह लो आपका डाटा वगैरह लीक हो सकता है। तो यहाँ पर आपको भाई वंडरशेयर रिकवर इट बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड है इन सारी चीजों पर, तो जरूर डाउनलोड करके देखना, मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। मैं आपको स्टेप्स अपने लैपटॉप पर जाकर दिखा देता हूँ कैसे यहाँ पर मैंने किया। स्टार्ट करते भाई आज का ये वीडियो। ऑलराइट, तो भाई यहाँ पर कुछ इस तरह से है हमारा वंडरशेयर रिकवर इट का वेबसाइट। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ट्राइड फ्री पर क्लिक करके, अगर आपका विंडोज है और अगर आपका मैक है तो भाई मैक के लिए भी नीचे आपको मिल जाता है, तो आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आप फ्री में भाई 100 MB तक का आप रिकवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने पहले से डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लिया, बस मैं यहाँ पर इसे ओपन करता हूँ। मैं आपको डेमो के मुताबिक मैं यहाँ पर आपको मेरा कुछ फोटोज डिलीट करके दिखाऊंगा कैसे इसमें रिकवर करना है, ठीक है। कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है भाई, जब आप इसे इंस्टॉल करोगे ओपन करोगे देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सारे लोकल डिस्क वगैरह का आपका EF जो भी है सभी से आप रिकवर कर सकते हो। बट सिंपली मैं यहाँ पर एक्सटर्नल एक SD कार्ड मैंने ऐड किया है। सो इस SD कार्ड से भाई मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैंने 2 फोटो ऐड कर लिया है पहले से, ठीक है। इन्हें मैंने रिकवर किया, पहले ये डिलीट हो गए थे DSLR से मैंने क्लिक किया हुआ था। अभी फिलहाल मैं दोबारा से इन्हें डिलीट करता हूँ और करके मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई परमानेंटली डिलीटेड जो फोटोज है वो भी यहाँ पर इजिली रिकवर हो जाता है। सो सिंपली यहाँ पर मैं चलता हूँ वंडरशेयर रिकवर इट के अंदर। इसमें देखो भाई और भी डिफरेंट चीजें मिलते हैं, चाहे आप रिसाइकल बिन से भी आप कुछ भी रिकवर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। नीचे आपको अपना वीडियो रिपेयर करना चाहते हो, यहाँ पर आपको वीडियो रिपेयर का भी ऑप्शन मिलता है, वो तो अलग बात है। बट मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल एक मेमोरी कार्ड ऐड किया है, तो एक्सटर्नल यहाँ पर दिखाया जाएगा, बस आपको एक ही क्लिक करना है, तो भाई यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगा। जो भी चीजें भाई एक्सटर्नल आपका जो मेमोरी कार्ड है इसके अंदर डिलेटेड है, सारे चीजें यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको कुछ इस तरह से देख के भाई, अगर आप चाहते हो कि भाई देख के चूज करके भाई आप उन्हें रिकवर करना वो भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो भाई सारे को एक साथ सिलेक्ट करके रिकवर कर सकते हो। सो सिंपली मैं यहाँ पर इन दोनों को रिकवर करूंगा, क्योंकि ये दोनों मेरे वही फोटोज है जो मैंने अभी फिलहाल यहाँ पर डिलीट किया हुआ था। ऑलराइट, तो भाई अब चलो यहाँ पर इन दोनों फोटोज को रिकवर कर लेते हैं। सो सिंपली यहाँ पर इन दोनों फोटोज को मैं सिलेक्ट करूंगा और नीचे एक रिकवर का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको प्रेस करना है। देन आपको अपना फोल्डर सिलेक्ट करना है कि भाई कौन से फोल्डर पर रिकवर करना चाहते हो, तो मैंने फोल्डर ये वाला सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पर रिकवर पर प्रेस करते ही भाई देख सकते हो कुछ ही सेकंड के अंदर दोनों फोटोज रिकवर हो चुके हैं। तो ये बहुत ही आसान और सिंपल वे है भाई, इसकी मदद से आप बहुत ही एक ही क्लिक के अंदर, आपने यहाँ पर तो देख लिया, एक ही क्लिक के अंदर मैंने अपना फोटोज को रिकवर कर लिया। इसी तरह से भाई इसके अंदर डिफरेंट और भी चीजें हैं, लाइक मान लो कोई ऐसा हिडन वीडियोस वगैरह कुछ भी ऐसा है जो बहुत ही मुश्किल से भाई रिकवर नहीं हो रहा है, तो वो भी यहाँ पर भाई डीपली हिडन वीडियोस वगैरह यहाँ से भाई आप रिकवर कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर की मदद से वंडरशेयर रिकवर इट का। तो मुझे जहां तक लगता है भाई बहुत ही सिंपल एंड इजी वे है इसकी मदद से रिकवर करना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई इसे जरूर डाउनलोड करना, मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। सो भाई वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर सकते हो। मिलते हैं भाई आपसे अगले वीडियो में। Till then, take care and...